तो हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको बर्डमैन की मूवी दी बर्डमैन अराइव हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना वक्त जाया करे वीडियो को शुरू करते, सो लेट्स गो। तो दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग में बर्डमैन का स्कूल दिखाया जाता है, और उधर सर मित्सुकावा और साबू पे गुस्सा हो रहे होते हैं, और फिर तभी अचानक से स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उसके बाद सर उन पे बस एक बारी बहुत जोर से चिल्ला के सर भी उधर से चले जाते हैं, और फिर सीन चेंज होता है। हमें अगले सीन में दिखाई देता है मित्सु स्कूल से बाहर जाता हुआ, और फिर तभी हमें दिखाई देता है कि कबाओ और साबू मित्सु का पीछा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कबाओ मित्सु को बुली करना स्टार्ट कर देता है। मित्सु उस टाइम उधर उनसे माफ़ी मांग के चला जाता है बड़ा उदास होकर। फिर वो आगे जाता है और उसे आगे मिच्ची को मिलती है। मिच्ची को मित्सु को प्रेरित करती है कि तुमने उनसे ऐसे डरना नहीं चाहिए था, तुम्हें कबाओ से सीधी लड़ाई करनी चाहिए थी और उसे मारना चाहिए था। शुरू में तो मित्सु डरता है, लेकिन फिर बाद में मिच्चिको की बातें सुनकर मित्सु में जान आ जाती है, और फिर वो कबाओ से लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर उधर से जैसे ही मित्सु चला जाता है, उधर कुछ गुंडे आते हैं और मिच्चिको को किडनैप करके ले जाते हैं। और फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मित्सु उधर कबाओ और साबू के पास से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, और कबाओ को गुस्सा आ जाता है। कबाओ बहुत जोर से मित्सु के सिर पे पंच मारता है, और मित्सु एकदम जमीन पे जाकर गिरता है। और फिर तभी सीन चेंज होता है, मित्सु चुपके से अपने घर में घुस रहा होता है, और तभी मित्सु को गांको देख लेती है। मित्सु गांको के हाथ पैर जोड़ के उसे लाख मना करता है कि प्लीज़ मम्मी को मत बताना, प्लीज़ मम्मी को मत बताना, लेकिन तब भी गांको मम्मी को बुला ही लेती है। और फिर उसके बाद मित्सु की मम्मी मित्सु को बहुत ज़्यादा भला बुरा सुनाती हैं, और फिर उधर से चली जाती हैं। और फिर उसके बाद मित्सु उधर मुँह हाथ धोने जाते हुए गांको को जीप चढ़ा कर जाता है। और फिर तभी अगले सीन में दिखता है कि मित्सु अपने बाथरूम में फ्रेश हो रहा होता है, और तभी पीछे से मित्सु की मम्मी चिल्लाती है मित्सु। अब पता नहीं मित्सु ने दोबारा से कोई और कांड कर दिया, शायद उसकी मॉम को उसके टेस्ट पेपर मिल गए हैं। और फिर उसके बाद डर के मारे मित्सु घर से भागने लग जाता है, और वो भी अपने जूते हाथ में लेकर, और शायद उसी के बाद हमारी मूवी स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद हमें दिखाई देता है कि मित्सु पार्क में बैठा बैठा अकेला अपने आप से ही बातें कर रहा है, और उसे तभी अचानक से पीछे एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, और वो अजीब सा आदमी और कोई नहीं, अपना बर्डमैन ही होता है। बर्डमैन किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और तभी मित्सु एकदम से बर्डमैन को आवाज़ ला देता है। तो बर्डमैन मित्सु की तरफ देख के बोलते हैं कि तुम ही हो वो। फिर बर्डमैन मित्सु की आँख चेक करते हैं, और मित्सु का मुंह भी चेक करते हैं। देन उसके बाद बर्डमैन मित्सु को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है, और फिर बर्डमैन परमानेंट सेट निकालते हैं। लेकिन ये सब देख कर मित्सु एकदम एक्सप्रेशन लेस होता, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद बर्डमैन पूरे परमानेंट सेट के बारे में मित्सु को अच्छी तरह बताते हैं, लेकिन फिर मित्सु इधर आर्ग्यू करने लग जाता है कि क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो जाते जाते हुए बर्डमैन को भी रोक लेता है। फिर बर्डमैन नीचे आते हैं और मित्सु को पूरे परमानेंट सेट के बारे में अच्छी तरह डिटेल में बताते हैं, लेकिन फिर भी मित्सु को कुछ समझ नहीं आता, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। फिर बर्डमैन एक बैज निकालते हैं और उस बैज को दूर थ्रो कर देते हैं, और मित्सु उस बैज को देखने लग जाता है। इतने में चकमा देकर मित्सु को बर्डमैन उधर से भाग जाते हैं। फिर मित्सु और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और फिर उधर से जाते जाते मित्सु हंसने लग जाता है, उसे लगती है क्या ड्रामा हुआ। देन फिर मित्सु मिच्चिको के घर पे पुलिस देख के बहुत ज़्यादा हैरान सा हो जाता है, और फिर वो उधर पास जाता है। और फिर जैसे ही मित्सु मिच्चिको के घर में घुसने की इंटेंशन दिखाता है, पुलिस वाला मित्सु को रोक लेता है। फिर मित्सु बाहर से देखता है कि मिच्चिको के घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेक्टिव आया हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। और इधर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उन्हें मिच्चिको के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर सीन चेंज होता है, यहाँ पर शाम हो चुकी है, और मित्सु अपने रूम में बैठा बैठा हुआ सिर्फ मिच्चिको के बारे में ही सोच रहा होता है कि मिच्चिको इस समय कहाँ होगी, कैसे हाल में होगी, वो ठीक होगी या नहीं। मतलब वो मिच्चिको के लिए बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो सोचता है कि उन किडनैपर्स ने इस टाइम मिच्चिको को कैसी कंडीशन में रखा होगा, और ये सब सोचते सोचते मित्सु की आँख में आंसू आ जाते हैं।
देन अब मित्सु फैसला कर लेता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद मित्सु एकदम फाइट की प्रैक्टिस करने लग जाता है, वैसे ही हवा में पंच मारने लग जाता है। और तभी अचानक से मित्सु को बर्डमैन के दिए हुए परमन सेट के बारे में याद आता है। परमन अपनी जेब में हाथ डालकर परमन सेट को बाहर निकाल लेता है, फिर उसे परमन सेट को पहनने लग जाता है। मित्सु को शुरू में वो बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर आखिरकार मित्सु परमन सेट को पहन ही लेता है। देन मित्सु परमन सेट पहन के बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है, और फिर मित्सु का उड़ने का मन करता है, वो मन ही मन सोचता है उड़ो। और फिर मित्सु हवा में उड़ने लग जाता है और एकदम से उसका सिर छत से टकरा जाता है। देन परमन के बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो कैसे ना कैसे उड़कर अपने रूम से बाहर आ जाता है। उसके बाद मित्सु को उड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, तो फिर वो एक एंटीना को पकड़ लेता है। और फिर वो एंटीना को पकड़ने के बाद उस एंटीना के वहाँ पे ट्राई करता है कि वो कैसे उड़े। एंड देन अपने परमन की मेहनत तो थोड़ी बहुत रंग लाती है, और फिर एकदम से परमन एकदम अच्छी तरह उड़ने लग जाता है। उसे उड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और उसके बाद फिर परमन का अपनी ताकत आजमाने का मन करता है, वह कूड़े वाली जगह जाता है और कोई भी चीज़ को उठाकर हवा में फेंकने लग जाता है। और ये देखकर परमन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसमें कितनी ज़्यादा ताकत आ चुकी है। एंड देन अचानक से परमन को ऊपर से एक और परमन की आवाज़ आती है। परमन बड़ी खुशी से उसके पास जाता है, लेकिन उसे देखते ही परमन एकदम अचंभित सा रह जाता है, बोलता है क्या ये परमन तो एक जानवर है, यानी ये तो एक मंकी है। एंड तभी उधर हमें मिचिको के घर का सीन दिखाया जाता है। उधर मिचिको के घर पे किडनैपर का कॉल आता है, उसके फादर कॉल पिक करते हैं, और वो जो किडनैपर होता है वो इतने बोलता है इतने अमाउंट ऑफ येन्स उधर पार्क में लेके आओ, हम उधर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हवाले कर देंगे, लेकिन कोई होशियारी मत करना। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि परमन मिचिको के घर के ऊपर बैठा होता है। फिर जैसे वो सबको जाता हुआ देखता है वो भी उनका पीछा करने लग जाता है। फिर वो उधर पार्क में पहुंच जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक बेंच पे पैसे का बैग रखा होता है, ऊपर पेड़ पे हमारा परमन निगरानी कर रहा होता है, और नीचे घास में छुपा हुआ अपना बूबी भी यहाँ पर निगरानी कर रहा होता है, और यहाँ पर घास में छुपे हुए पुलिस वाले भी यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। और तभी अचानक से हमारे परमन के मन में शैतानी आती है, वो सोचता है कि जब मैं इस पावर के बारे में कबाव साबू को बताऊंगा तो वो मेरे सामने किस तरह से माफ़ी मांगेंगे, मैं कितनी डिंगे आकूंगा, मतलब वो ऐसे ही कुछ भी सोच रहा होता है। और फिर अचानक से परमन यही सोचते हुए नीचे गिर जाता है, और फिर सभी पुलिस वाले परमन को ही चोर समझकर उसे पकड़ने आ जाते हैं, लेकिन परमन कैसे ना कैसे ऊपर उड़कर उनसे बचकर निकल जाता है। देन हमें दिखाई देता है जो यहाँ पे वो डिटेक्टिव है वो इन सब पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और फिर तभी अचानक से इनमें से एक पुलिस वाला पैसे वाला बैग उठाता है, और वो देखता है कि बैग नीचे से कटा हुआ है और सभी पैसे गायब है। फिर वो उधर डिटेक्टिव आता है, वो उधर थोड़ी छानबीन करता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। और फिर हमें इतने में उस चोर का सीन दिखाया जाता है, वो उधर आराम से खड़े होकर हंसता हुआ पैसे गिन रहा होता है, और उधर मिचिको उसने बांध के बैठाई हुई होती है। और फिर पता नहीं उस चोर के मन में क्या होता है, वो एकदम से मिचिको को डराने लग जाता है, लेकिन मिचिको की कोई भी रिएक्शन नहीं आती। उसके बाद फिर वो चोर मिचिको को डराने के लिए मिचिको के सामने चाकू निकाल देता है, और चाकू को देखकर मिचिको बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर हमें परमन का सीन दिखाया जाता है, परमन बहुत उदास होकर हवा में उड़ रहा होता है, और तभी अचानक से परमन के सामने बूबी आ जाता है। बूबी इशारों की भाषा में परमन को बताता है कि मैंने वो उस चोर को देखा है कि वो चोर कहाँ है। परमन बोलता है जल्दी बताओ, फिर परमन वो बूवी इशारे दे दे के परमन को समझा रहा होता है, और तभी अचानक से परमन समझ जाता है। फिर परमन बोलता है बूवी चलो अब हमें मिचिको को बचाना है। फिर बूवी और परमन दोनों मिचिको को बचाने जाते हैं, और फिर हमें दोबारा से चोर का सीन दिखाया जाता है, वो मिचिको को मारने वाला होता है, लेकिन इतने में हमारे परमन और बूवी उधर आ जाते हैं। और फिर परमन और बूवी उधर स्टाइल मारते हैं, वो जिस टेबल पर खड़े होते हैं उसे खड़े खड़े ही तोड़ देते हैं। देन ये चीज़ देखकर चोर स्टार्टिंग में तो थोड़ा घबराता है, और फिर परमन और बूवी स्टाइल मारने लग जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि मिचिको परमन को बहुत ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रही होती है। देन वो चोर हिम्मत करके परमन से लड़ने आ जाता है, वो चोर परमन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन फिर परमन कुछ नहीं करता, बस परमन वैसी सिचुएशन में हवा में उड़ने लग जाता है। और ये चीज़ देखकर वो चोर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद फिर परमन उसे ज़मीन पे दे के मारता है, और फिर परमन उस चोर को जीप चढ़ाने लग जाता है, और ये सच में बहुत बढ़िया सीन लगता है।
उसके बाद परमैन और उस चोर में बहुत अच्छी फाइट छिड़ जाती है। वो चोर परमैन को मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश, लेकिन वो चोर परमैन को नहीं मार पाता। शुरू में तो परमैन उसके साथ मजे कर रहा होता है, लेकिन फिर परमैन को गुस्सा आ जाता है। फिर परमैन उस चोर को एक हाथ से घुमा देता है और फेंक देता है, और फिर बूबी उस चोर को उठाकर विंडो से बाहर फेंक देता है। और फिर परमैन जाता है और मिचिको की रस्सी खोल देता है। देन मिचिको फिर से परमैन को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती है और परमैन को उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलते हैं। फिर परमैन भी थोड़ा शर्माने लग जाता है और अजीब से यह हरकतें करने लग जाता है। लेकिन इतने में एकदम से बूबी और परमैन को याद आता है कि वो चोर तो हमने पकड़ा ही नहीं, वो पैसे वाला बैग लेकर अपनी कार में बाहर चला गया, मतलब भाग गया है। देन बूबी और परमैन उस चोर का पीछा करने लग जाते हैं। वो चोर अपनी कार में भाग रहा होता है, लेकिन इतने में हमें दिखाई देता है कि बूबी और परमैन ने उस चोर की कार हवा में उड़ा दी है। इस समय बूबी और परमैन उस चोर की कार को उड़ा रहे हैं और फिर बूबी और परमैन उस चोर को पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। ये सब देखकर पुलिस वाले थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इतने में परमैन और बूबी ऊपर उड़ जाते हैं। ऊपर फिर उन दोनों में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है और बूबी और परमैन वैसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने आज एक चोर को पकड़ लिया। देन उसके बाद परमैन अपने घर जाता है और वो छुपके से विंडो में झांक के देखता है, तो वो देखता है कि इधर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गांव को मॉम को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। ये देखकर परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है गांको के ऊपर, और तभी अचानक से पीछे से बर्डमैन आता है और परमैन को डरा देते हैं। देन बर्डमैन परमैन को इस कॉपी रोबोट के बारे में एक्सप्लेन करते कि जब तुम यहाँ पर नहीं होगे तो ये तुम्हारी जगह ले लेगा, तुम इसकी नोज दबाओगे तो एकदम तुम्हारे जैसा बन जाएगा। परमैन बोलता है कि यार ये सब तो छोड़ो, अभी जो मैं इस चक्कर में फंस गया, प्लीज इसका तो कुछ करो। बर्डमैन बोलते हैं तुम इसकी नाक तो दबा के देखो। देन फिर जब परमैन रोबोट की नोज दबाता है तो फिर वो एकदम अचंभित सा रह जाता है। वो देखता है कि मित्सु जैसा एकदम सेम बंदा यहाँ पर आ चुका है। और फिर इधर रोबोट को देखकर परमैन के मन में एक आइडिया आ जाता है, वो उसे इस सिचुएशन से बचने का भी आइडिया आ गया है। अब वो ऐसा करता है कि नीचे से दरवाजे से रोबोट को घर के अंदर भेज देता है और सारा बिल रोबोट के ऊपर फूट जाता है। और फिर परमैन इधर घर के अंदर विंडो से आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और कमेंट्स में ये भी बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल बोलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत।